नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर ग्रामर का फर्स्ट पढ़ रहे थे, व्याकरण, भाषा और लिपि। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा में अपन ने पढ़ा था, भाषा किसे कहते हैं, जिससे अपन अपने भावों और विचारों को सामने वाले को समझा सके। ठीक है, भावों और विचारों को आप सामने वाले को समझा सके और सामने वाले के विचार समझ सके, उसको अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। मौखिक भाषा, जिसमें अपन अपने भावों और विचारों को बोल कर अब सामने वाले को समझाते हैं, सामने वाला सुनकर अपने विचार समझता है। ठीक है, सेकंड आती है लिखित भाषा, जिसके अंदर लिख कर अपन भावों और विचारों को सामने वाले को समझाते हैं, और सामने वाला कैसे समझेगा, पढ़कर उसको समझता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने कुछ सांकेतिक चिन्ह की भाषा भी समझी थी। सांकेतिक चिन्ह जैसे आपके रेड लाइट वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक एरिया में अपने रेड लाइट्स लगी हुई होती है, तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा है, जिसके अंदर रेड लाइट रुकने का और ऑरेंज लाइट अपने चलने के लिए तैयार होने का और ग्रीन लाइट चलने का संकेत थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णों और चिन्हों को बनाने के तरीके को अपन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों और चिन्हों को बनाने के तरीके को अपन क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा की प्रत्येक ध्वनि होती है, मतलब जो उसकी साउंड होती है उसका कोई ना कोई चिन्ह होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी की कौन सी लिपि होती है, देवनागरी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है, ब्राह्मी लिपि से बनकर बनी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि आगे चलकर किसमें चेंज हुई, देवनागरी लिपि में विकसित हुई है। नेक्स्ट है आपका साहित्य, किसको कहते हैं साहित्य, ज्ञान के सिंचित, मतलब जो ज्ञान है ना पूरा आपका, जितना भी बड़े बड़े राइटर जितना भी अपनी ज्ञान विज्ञान को जानते थे, उन्होंने क्या किया, उसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध किया मतलब लिख कर कहीं संग्रहित कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य कितने प्रकार का होता है, गद्य और पद्य दो प्रकार का होता है, जिसको गद्य को क्या कहते हैं अपन, विधाएं कहते हैं, जिसके अंदर अपना निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, ये सब आते हैं। ठीक है, पद्य के अंदर क्या आते हैं, गीत और कविताएं, ठीक है, जिसको गाया जा सकता है। अपन पढ़ रहे थे नेक्स्ट व्याकरण, किसको कहते हैं व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिससे अपन क्या करते हैं, भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना हमको आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या पढ़ाता है कि उन नियमों का, भाषाओं का शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध रूप से प्रयोग करना, शुद्ध रूप और शुद्ध रूप का प्रयोग करना ज्ञान कराने वाले को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण जो है वो हमें ज्ञान कराता है कि सही भाषा का सही से प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट आती है आपकी वर्ण विचार, जिसमें अपन सबसे पहले क्या सीखते हैं, वर्ण के स्वरूप को बनाना सीखते हैं। ठीक है, वर्ण बनाना सीखते हैं, उनके भेद करना सीखते हैं और उनके बारे में आगे जानते हैं। सेकेंड आता है अपन शब्द विचार, जब अपन वर्ण बनाना सीखते हैं उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं और शब्दों को लिखना सीखते हैं। फिर आता है आपका वाक्य विचार, मतलब वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, व्याकरण के इस भाग में अपन क्या सीखते हैं, वाक्य रचना कैसे की जाती है और वाक्य रचना में किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है व्याकरण के विभागों और उपविभागों, निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि व्याकरण हमको किस चीज के बारे में नॉलेज देता है। फर्स्ट है व्याकरण, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं, वर्ण विचार। क्या पढ़ते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर सबसे पहले अपन सीखते हैं स्वर बनाना और व्यंजन बनाना। स्वर आपके कौन से, अ आ इ ई उ ऊ, व्यंजन कौन से हैं आपके, क ख ग ग। ठीक है, सेकंड है आपका शब्द विचार। ठीक है, शब्द अपन बनाना सीखते हैं तो उसके अंदर क्या सीखते हैं, सबसे पहले रचना का आधार, मतलब किस प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, मतलब सार्थक शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, और फिर है रूपांतर के आधार पर, मतलब उनको किस आधार पर चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर है उत्पत्ति के आधार पर विकारी शब्द, विकारी शब्द जिनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने में डिवाइड किया अपन ने, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अपन आगे जब लेसन पढ़ेंगे तो इसमें सब पढ़ेंगे, संज्ञा भी पढ़ेंगे, सर्वनाम भी पढ़ेंगे, क्रिया भी पढ़ेंगे और विशेषण भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका अविकारी शब्द। ठीक है, उसको रूपांतरण के आधार पर भी चेंज करते हैं।
इसमें आता है आपका क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, इनको अविकारी शब्दों को अपन चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्रिया विशेषण भी आते हैं, संबंध बोधक भी आते हैं, समुच्चय बोधक भी आते हैं, विस्मयादि बोधक भी आते हैं। संज्ञा में जैसे राम, मोहन, हाथी, घोड़ा, किताब, ये सब। विशेषण में काला, घोरा, सफेद, नीला, लाल, हरा। सर्वनाम में मैं, तू, हम, वह आदि। क्रिया में वो जाता है, वो खाता है, मोहन आया, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सब क्रिया है। ठीक है, क्रिया मतलब जहाँ कार्य हो रहा है। क्रिया विशेषण जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम तेज दौड़ता है, तो तेज को आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तेज को चेंज नहीं किया जा सकता। राम तेज दौड़ता है तो तेज ही दौड़ सकता है। राम धीरे धीरे चलता है तो धीरे चलता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक जैसे होते हैं ना, अपन किसी भावनात्मक रूप में जैसे बोलते हैं आह कितना अच्छा है, तो आह को अपन चेंज नहीं कर सकते। संबंध बोधक जो संबंध बताता है, ठीक है, मैं और वह, तो और क्या है उसका संबंध बता रहा है, राम और श्याम। ठीक है, समुच्चय बोधक जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करता है, ठीक है, समूह को बताता है, जैसे झुंड, ठीक है, आदि। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा के व्याकरण को जानकर उसे शीघ्रता से कुशलतापूर्वक सीख लेता है। ठीक है, अगर अपने को एक भाषा के बारे में पता है तो अपन दूसरी भाषा को क्या है, आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को भाषा का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, तो अपन दूसरी भाषा को भी शीघ्रता से और कुशलता से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे के पार्ट में हम व्याकरण के इन विभागों और उपविभागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपने उपविभाग पढ़े थे अभी उसके, ठीक है, व्याकरण के जो पार्ट पढ़े थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। ठीक है, व्याकरण भाषा या लिपि तो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है, संपर्क भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, तो हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से किस भाषा को लिपि के नाम देवनागरी नहीं है, ठीक है, किसकी देवनागरी नहीं है, हिंदी, पंजाबी या संस्कृत, तो पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी लिपि है। इनमें से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, तो फारसी आपकी जो है वो दाएं से बाएं लिपि लिखी जाती है। रोमन आपकी इंग्लिश भी आप ऐसे लिखते हो ना, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हो, राइट हैंड की तरफ जाते हो। देवनागरी हिंदी भी ऐसे लिखते हो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर, 5 नवंबर या 26 जनवरी, तो 14 सितंबर 1952, ठीक है, 14 सितंबर 1952 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद से 14 सितंबर क्या होता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण के किस विभाग में विराम चिन्हों की जानकारी दी जाती है, किसमें अपन विराम चिन्ह सीखते हैं, ठीक है, तो विराम चिन्ह कब सीखते हैं, वाक्य बनाना जब अपन सीखते हैं तब अपन क्या सीखते हैं, विराम चिन्हों का ज्ञान करते हैं। ठीक है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है केरल में, अलग अलग प्रांतों में, भारत में बहुत सारे प्रांत हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो आप जिस प्रांत में रहते हो उस प्रांत में क्या बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़, तो कन्नड़। इसका बच्चों एक बार छोड़ दो, इसका अपन बाद में आंसर शीट में देख करेंगे। भाषा के दो रूप कौन से होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक और एक होता है आपका लिखित। क्या होते हैं भाषा के दो रूप, एक मौखिक और लिखित, दो रूपों में लिखी जाती है, मौखिक बोलकर और लिखित। किसमें लिखी जाती है, आपके लिखकर बताई जाती है। ठीक है, लिखकर आप भाषा को समझते हो तो लिखित, और बोलकर समझते हो तो मौखिक। चौदह सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी, सॉरी ख वाला अपना रह गया। हम कई भाषाओं को एक, क्या लिख सकते हैं, हम कई भाषाओं को एक रूप में लिख सकते हैं। इसको इतना कुछ खबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, किस रूप में मनाते हैं,
हिंदी दिवस के रूप में। शुद्ध बोलना और लिखना सीखने में कौन सहायता करता है? व्याकरण। ठीक है, शुद्ध बोलने और सीखने में कौन सहायता करता है? अपनी व्याकरण सहायता करता है। ठीक है, व्याकरण से अपन क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। मन के भावों को बोलकर प्रकट करने वाली भाषा मौखिक है। सही। भारत की राजभाषा अंग्रेजी है। रॉन्ग। हिंदी और मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सही। अंग्रेजी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। गलत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। लिपि से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित भाषाओं और लिपियों के नाम लिखिए। ठीक है, फोर्थ का जो आंसर है उसमें लिपि किसे कहते हैं ये अपन यही टिक कर देते हैं। किसे कहते हैं लिपि? ये रहा। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात उनके लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर। यहाँ से यहाँ तक आप लिपि में लिखोगे, लिपि कहते हैं। उसके बाद जो आपकी दूसरा लिखा हुआ है ना लिपि, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, और पंजाबी आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए इनमें से किस प्रकार अपनी बात को प्रकट किया गया है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखना है कि कौन किस प्रकार अपनी बात को प्रकट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपका नेताजी बोलकर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ये पढ़कर, लिखकर, और ये सुनकर। ठीक है, लाउड स्पीकर में सुनकर पता लगा रहे हैं ना क्या हो रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिता में कौन सा रूप प्रयोग होगा? वाद विवाद है तो आप बोलकर बताओगे ना कि आपके किस प्रकार का डिबेट है। ठीक है, बोलकर, सॉरी इसमें बोलकर नहीं लिखेंगे, मौखिक लिखेंगे। प्रार्थना पत्र लिखित, टीवी समाचार देखकर, इसमें देखकर और मौखिक दोनों आएगा। ठीक है, सुनकर भी अपन पता लगाते हैं ना। ट्रैफिक संचालन सांकेतिक भाषा, समाचार पत्र लिखित रूप में, हम कई भाषाओं को एक लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है,
एक लिपि अपन सीखते हैं तो उसमें कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। एक बार अपन और दिख देते हैं तो जाने वाला व्यक्ति इसमें अपन एक बार और समझ के कर लेते हैं। इसका आपका कमी है, ठीक है। हम कई भाषाओं को एक लिपि में, ठीक है, बहुत सी भाषाओं की लिपि सेम होती है तो सीख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।